ट्रू कलर का प्रीमियम हम कैसे ले सकते हैं, 75 रुपीज और 99 रुपीज का क्या अंतर होता है, आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में ही बताऊंगा। इम्पैक्ट लाइफ में यहाँ पर ट्रू कलर का प्रीमियम लेके क्या क्या फीचर आपको मिलता है, कैसे यूज करना है क्या नहीं, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, मिस्टर डाटा टेक में आप सभी का स्वागत है। ट्रू कॉलर का प्रीमियम लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, पाम कॉल को डिटेक्ट कर सकते हो, किसी ने आपके नंबर को सर्च किया तो वो भी आप देख सकते हो कि किसने मैंने नंबर को सर्च किया। उसके बाद यहाँ पर किसी को भी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और यहाँ पर किसी का भी ईमेल आईडी आप इजीली पता कर सकते हो और कॉल रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है, ये भी फीचर आपको एनेबल हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी गूगल का दीदी नहीं बोलेगा इसने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग किया है, समझ रहे हो ना। हाँ, इसी की ही बात है। चलिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रू कॉलर में कैसे जो है प्रीमियम लेते हैं, ट्रू कॉलर में प्रीमियम लेने के बाद क्या क्या हमें मिलता है। हमने ट्रू कलर एप्लीकेशन को अभी ओपन कर लिया है। अब प्रीमियम सेक्शन पे जाने के बाद मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, उसके बाद ट्रू कलर प्रीमियम है, उसके बाद ट्रू कलर फैमिली वाला प्लान है। तो अभी फैमिली वाला प्लान को रहने देते हैं। यहाँ पर जो प्रीमियम है 99 का प्लान, ये हमें देखते हैं। 75 रुपीज का प्लान यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले ही लेते हैं। ये ऑटो पेमेंट अभी सेट हो चुका है और आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। हालांकि मुझे ये अभी पता नहीं कि कैंसिल करने के बाद आपने जो पेमेंट दिया है क्या वो रिटर्न होगा, यानी कि इनका एक 3 डेज का ट्रायल पीरियड होता है। जब हम सब्सक्रिप्शन किसी भी कर लेते हैं तो ये कुछ दिन का फ्री ट्रायल पीरियड देते हैं। अगर हम उन 3 डेज का जो फ्री ट्रायल पीरियड है उसको खत्म होने से पहले ही उस प्लान को ही कैंसिल कर दे तो कैसा रहेगा, क्या प्लान कैंसिल होने के बाद आपका पेमेंट वापस आएगा या फिर वो चला जाएगा या फिर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। हालांकि मुझे ये पता नहीं है क्योंकि अभी मैं प्लान कैंसिल करने वाला हूँ नहीं, 1 महीने रहने देता हूँ या फिर 3 डेज के बाद हम ट्रायल करके देखेंगे, अगर मूड हुआ तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट से जो है पेमेंट मैं कर लूंगा। अभी पेमेंट सक्सेस हो चुका है, एक्स्ट्रा 2 रुपए पता नहीं क्यों कटा। पेमेंट सक्सेसफुल, रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन फॉर परचेस, यस ऑलवेज पे हम क्लिक कर लेते हैं। नो थैंक्स पे हम पर क्लिक करके कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अपग्रेडेड 2 डेज ऑफ ट्रू कलर प्रीमियम। वो शायद ट्रायल पीरियड होगा, देखते हैं। ये नंबर चूज करने के लिए हमें दे दिया। अब ए असिस्टेंट किसका वॉइस मुझे अच्छा लगता है ये सुनना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर आकाश का दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं आकाश को क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। कॉल करके यहाँ पर कंफर्मेशन कर लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा। ये कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो चुका है, ये वेरीफाइड दिखा दिया। मेरे फोन में भी AI असिस्टेंट आ चुका है, यानी कि किसी ने अगर मुझे कॉल किया अगर मैंने रिसीव नहीं किया तो ये मेरे फोन उठाकर जवाब दे देगा। अब जो आप देख रहे हो इंटरफेस, ये ट्रू कलर प्रीमियम का है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ट्रू कलर प्रीमियम है। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ईमेल आईडी चेक करते हैं, बराबर आता है इसमें, ईमेल आईडी आपको बराबर मिलता है, किसी भी नंबर का ईमेल आईडी यहाँ से पता कर सकते हो। हु व्यूड माय प्रोफाइल, अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये हमें रियल दिखाएगा या फिर फेक दिखाएगा, देखते हैं। हाँ यार, बात तो सही है, रियल दिखा रहा है। ये जितने सारे ट्रू कलर व्यूड प्रोफाइल हुआ था ये सभी तो मेरे कॉन्टेक्ट ही है। हाँ, कुछ कॉन्टेक्ट में सेव नहीं है वो भी दिखा रहा है, लेकिन उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ यार, बिल्कुल सही, बराबर दिखा रहा है, सही है। बहुत सारे कॉन्टेक्ट मैंने सेव नहीं किया था लेकिन फिर भी ये बराबर दिखा रहा है, बात तो सही। किसी किसी के फोन में मैंने सर्च किया था मेरा नंबर तो वो भी ये दिखा रहा है। हु सर्च फॉर मी, नहीं रहने दे, कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट, अब इसका क्या माजरा है, नहीं रहने दे, बाद में देखेंगे हम। प्रीमियम पर जब हम जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सी अनदर प्लान, ये दोनों ही प्लान बचा है अभी, क्वार्टरली 3 मंथ का और ये ईयरली दिखा रहा है। अब इसमें तो एक तो पक्का है, मुझे आर्ट्स बिल्कुल शो ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर बिलिंग पे देखते हैं तो यहाँ पर बिलिंग मंथली नेक्स्ट रिन्यूअल 11 जून 2024, अभी कितना हुआ है, 9 जून 2024, देखते हैं यार। शायद मुझे 2 डेज का यहाँ पर ट्रायल पीरियड मिला है क्योंकि 99 में यही होता है। यहाँ पर मुझे सब कुछ मिल चुका है, कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिल चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकता हूँ विदाउट एनी किसी को भी पता चले, यहाँ पर किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकता हूँ, तो ये मुझे चाहिए ही नहीं। यहाँ पर 99 प्लान का एक्टिव क्या है, वो कहाँ तक एक्टिव रहता है, यहाँ पर एक दिखा रहा है अपकमिंग चार्जेस स्टार्टिंग 11, ये जो मैंने 99 का पेमेंट यहाँ पर किया ये 2 दिन के लिए किया था या फिर 1 महीने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज तो सीख लिया कि विदाउट वेरिफिकेशन में किसी भी चीज में हाथ नहीं लगाने का जब तक कि आपको उस चीज के बारे में पूरा ना पता चले। यहाँ पर मैंने 99 का प्लान तो भर लिया लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है 1 महीने के लिए या फिर 2 दिन के लिए। फिलहाल 11 तारीख को हम देखते हैं कि ये वाकई में ये जो मैंने 99 का प्लान लिया 11 तारीख से स्टार्ट होता है या फिर 11 तारीख में अगेन पेमेंट करने के लिए दिखा रहा है, हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर गूगल पे पे 2 रुपए यहाँ पर गया है, 100 रुपीज का तो पेमेंट हुआ ही नहीं है इसमें। दोस्तों ये 11 तारीख को ही ये पेमेंट एक्टिव होगा, अभी तक मेरा पेमेंट कटा नहीं है। अगर चाहूँ तो मैं अभी कैंसिल भी कर सकता हूँ, मैं कैंसिल ही कर दूंगा, अभी नहीं कल ही कैंसिल कर दूंगा। और ये पेमेंट जो ऑटो पे सेटिंग हुआ है इसे कैसे आपको डिसेबल करना है ये भी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही आपको दिखा दूंगा।
यहाँ पर 2 रूपए लेकिन कटा है, फिर पेमेंट वापस भी आ गया 2 रूपए का, कोई बात नहीं। अभी मुझे समझ में आ गया कि सारा का सारा माजरा क्या है। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट शुरू करना। और हाँ दोस्तों, इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।